मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला इनका जिनका नाम आलोक सर है और इनके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ये हजारीबाग से बिलोंग करते हैं इनका कोचिंग क्लासेस हजारीबाग में और इनका कोचिंग क्लासेस एक ऐसे मुकाम पे है इन्होंने कम समय में कम टाइम में इतनी बड़ी आ, मतलब इतना बड़ा जो उपलब्धि हासिल किया है इन्होंने इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे हज़ारीबाग में आखिर क्या पढ़ाई का माहौल है सर के द्वारा जानेंगे सबसे पहले सर से ही आते हैं बात करते हैं सर थोड़ा सा अपना इंटरव्यू ज़रा हमें बताएं और हमारे वीवर को बताएं नमस्कार सबसे पहले मैं जनता रिव्यू के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स वीडियोज़ को देखते हैं उनको मैं तय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप इस जगह पे आकर के हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात होती है ये कई लोगों का कहना है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका भी है बट मैं नहीं इसको मानता हूँ इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें शायद नहीं जान पा रहे तो ये मैं इनको एक साधन मानता हूँ मीडियम मानता हूँ ताकि सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के ज़माना में लोग तक के वीडियो जाए स्टूडेंट्स तक जाए स्टूडेंट्स देखें और फिर वो हमारे तक पहुँच पाए जिससे मैं उस पर काम करूँ और उसकी रिज़ल्ट के लिए मैं बेटर परफॉर्म कर सकूँ आज के समय में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं हमारे जो जैक बोर्ड के छात्र हैं शुरुआत से ही वो लोग टारगेटेड होते हैं और एक उम्मीद सा एक भ्रम सा भी फैल गया कि, आ, जेक है कि जैक बच्चे हैं वो इंग्लिश में कुछ खास नहीं कर पाएंगे कई बार तो मैंने सुना ही है कि अच्छा तुम जैक से हो इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश ठीक नहीं हो तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी पे है कि ये जो वरम काफ़ी सालों से स्टेडियो टाइप का जो चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए जेक बोर्ड से आने का मतलब ऐसा नहीं होता और नहीं होना चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता माना कि आज के समय में जहाँ पूरा हमारे देश ग्लोबलाइजेशन की बात करती प्राइवेटाइजेशन की बात होता है और आज हम मल्टी नेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हर जगह इंग्लिश अपना एक वजूद रखती है वहाँ पे जेक से आने वाले बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाया कैसे जाए उस पर कैसे मेहनत की जाए शुरुआती में जब बच्चे आते हैं तो जब हम उनसे इंट्रैक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इसमें ये कमियाँ एंड देन हम कैटेगराइज करते हैं उन बच्चों को एंड देन फिर हम उस पर मेहनत करना शुरू करते हैं तो इस प्रकार हमें अच्छा लगता है और मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा कि हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं जो सुदूर गाँव से आते हैं वो इंग्लिश में बहुत कुछ खास करें सर अब रिजल्ट जो आया अभी एक दो दिन पहले आया रिजल्ट आपका का कोचिंग का रिजल्ट कैसा रहा यहाँ से रिजल्ट जो है कैसा मतलब कैसे कल मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो रिजल्ट रहा इस इंस्टीट्यूट से वो बहुत बेहतर रहा आ, मैंने इस इंस्टीट्यूट को 2017 में स्टार्ट किया था मैं पटना से आकर के इससे पहले मैं पटना से ग्रेजुएशन करा था और फिर हज़ारीबाग में मैं अपना एज अ प्राइवेट टीचर अपना कैरियर आजमाया और मेरे को ये बहुत अच्छा भी लगा मैं इस काम से काफ़ी प्रेरित हूँ और मैं खुश भी हूँ इनिशियली मुझे भी बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ा बट इन 2017 जब हमने स्टार्ट करा और हमारी जो मेहनत रही बच्चों के प्रति काफ़ी डेडिकेशन भाव से तो सत्रह में भी हमारा रिज़ल्ट ठीक रहा 18, 19 और 20 तो कोविड की वजह से फिर वहाँ से बाद हमारा जो कोचिंग थोड़ा सा ओवरकम किया वो दो में दो में हमारा रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा लगभग बीस बच्चे ने नाइनटी क्रॉस कर गया था दो और फिर इसके बाद तेईस की जो रिज़ल्ट आई तेईस की रिज़ल्ट में भी लगभग चालीस बच्चे थे जो नाइन्टी प्लस की इस बार चौबीस का रिज़ल्ट आपके सामने है मैं नाम लेना चाहता हूँ सिंपी कुमारी जो इस कोचिंग से सर्वश्रेष्ठ नंबर लाई है नाइन्टी सिक्स वहीं प्रीति सोनी कोटमा की लड़की है इन्होंने चौरानवे नंबर ला कर के कोचिंग का नाम जो है सो की है खुद और कई कई स्टूडेंट्स हैं मैं यहाँ पूरा नाम नहीं ले पाऊँगा राहुल कुमार है अंशु कुमारी हैं जो नाइन्टी क्रॉस करी एटी नाइन ससी राना है आशीष राना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे रिज़ल्ट दिया मेरा एक मानना ये भी है कि रिज़ल्ट जो आ रहे हैं आजकल वो डिसाइड नहीं करता है कि आप कितना टैलेंटेड हैं बट हाँ रिज़ल्ट ये चीज़ ज़रूर बताता है कि अगर आप नाइन्टी प्लस कर रहे हैं तो नाइन्टी प्लस कर रहे हैं दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी हैं क्योंकि चीटिंग का आप कितना भी सहारा लेंगे ऐसा तो लेना नहीं चाहिए मैं बच्चों करके आप पास कर सकते हैं फर्स्ट भी कर सकते हैं टॉप नहीं कर सकते नहीं 90 कर सकते। प्लस बच्चे कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें कुछ अलग से टैलेंट है वो मल्टी टैलेंटेड है ऑर्डिनरी बच्चे हैं मैं तो सख्त खिलाफ हूँ तब से मैं बच्चों को ये बात कहते आ रहा हूँ कि कुछ भी करना चीटिंग मत करना चूंकि ये जो रिजल्ट है वो तीन चार दिन का सिर्फ माहौल रहता है एंड देन सारे लोग भूल जाते हैं बस आपके अंदर जो क्वालिटी है आपके अंदर जो क्वांटिटी में जो क्वालिटी है बस उसी को लोग याद रखेंगे तो मेरे लिए रिजल्ट उतनी मैटर नहीं करता मैं इसका क्रेडिट भी लेना नहीं चाहता बट जो स्टूडेंट्स स्कोर के मैं अगेन आई एम थ्रिल टू अनाउंस दैट आवर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैव मैक्सिमम मार्क्स एंड हैव आउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर यहाँ से टॉपर इतने सारे किए हैं काफ़ी yeah. शानदार रिजल्ट भी रहा है और एवरेज रिजल्ट भी शानदार रहा है लेकिन वो शानदार रिजल्ट के पीछे क्या राज है क्या मेहनत है क्या मतलब रिसोर्सेस हैं ये भी हमें ज़रा बताएं देखिए मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि uh, जहाँ तक रही बात की स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आ क्यों आ रहा है और इस बात को मैं सीधा सीधी बताऊँ तो यहाँ पे मैं बच्चों को दो तीन चीज़ें कहता हूँ एक तो कि अगर आप रेगुलर हैं क्लास में अगर आपकी रेगुलरिटी ठीक है कंसिस्टेंसी ठीक है तो रिज़ल्ट आपका सही होगा ऑटोमेटिक होगा और जो हम स्ट्रेटजी से चलते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में हम कोई भी स्टोरी जब स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोज या पोइट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रोज से जुड़ी बैकग्राउंड को बताते हैं ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से बैकग्राउंड समझ में आ जाए पहले कि वो किस में बेस्ड हैं एंड देन हम पहले उसको हिंदी में कम्प्लीटली उसको अच्छे से समराइज़ करते हैं एक एक पॉइंट्स को एंड देन जो है सो so हमने लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम चीज़ों को बहुत अच्छे से बच्चों तक वो चीज़ पहुँचाता हूँ बच्चे से भी कहते हैं कि जितना मैं आपको क्लास में दिया आप रिवाइज करके आए और सबसे ख़ास बात है कि हमारी जो प्रत्येक साल की जो आंसर होता है क्वेश्चंस का वो डिफरेंट होता है साल छोड़ दीजिए हर बैचज के डिफरेंट होता है इसलिए क्योंकि हम एट अ टाइम बच्चों को कहते हैं कि आप खुद से आंसर करें अगर मैंने स्टोरी पढ़ा दिया है तो आप खुद से चीज़ों को सोचो एंड देन ट्रांसलेट करो विद द हेल्प ऑफ ग्रामर सो बच्चे करते हैं और यही खास वजह है कि बच्चे का नंबर कटता नहीं है अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं ये हज़ार बाग और हजारीबाग जो है झारखंड का शैक्षणिक राजधानी so, इसमें टीचर लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ते हैं उनका पढ़ाने का काम टीचर करते हैं तो आज के टाइम पे बताइए टीचर लोग यहाँ से क्या मतलब गुणवत्ता एक यू कहे कि एडवांस लेवल का टीचिंग हो पा रही है यहाँ से स्टूडेंटों को मिल पा रहा नो डाउट ये सवाल इस वजह से आती है क्योंकि हजारीबाग में देखे बीते पाँच से छः सालों में तो यहाँ सिर्फ एक अवधारणा बन गई है मन में बैठ गया है कि यहाँ इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए सिर्फ है। क्या उसके आगे और पढ़ाई नहीं है और आगे इसका फ्यूचर नहीं है ये हमें जानना। आ, नो डाउट हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है और जहाँ तक सवाल है कि काफ़ी लोगों के मन में ये चलता होगा काफ़ी पेरेंट्स के लोग कि बच्चे वहाँ जाते हैं वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को झूठ बोलते हैं ईमानदारी से काम नहीं करते हैं टाइम कहीं और देते हैं काम हाँ टाइम कहीं और देते हैं और वो बाद में रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो नहीं होता ऐसा जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हज़ारीबाग में जितने भी टीचर हैं काफ़ी मेहनत करते हैं और शायद यही वजह है कि हमारा जो रिज़ल्ट है हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट का वो बहुत शानदार भी रहता है कम यहाँ पे ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे वैसे क्षेत्र से आते हैं या फिर वैसे फैमिली से आते हैं जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं होता है पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं तो वो सारे बच्चे आकर के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं कम फ़ी में कम फी में उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है यहाँ पे थोड़ा टीचर की संख्या अधिक होने की वजह से हर टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं शायद इसलिए मेहनत करते हैं कि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगा तो बच्चे निकल जाएंगे तो इस वजह से टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाता है पढ़ाते हैं और बच्चे भी इनका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाते हैं और नो डाउट ट्वेल्थ में शानदार प्रदर्शन रहता है रही बात नीट और जेई का तो ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं होता है रिजल्ट होता है लेकिन बच्चे का माइंडसेट हो गया है कि रिजल्ट यहाँ से नहीं हो सकता है हमें इसके लिए कोटा और पटना जाना ही पड़ेगा यही चीज़ तो मेन रीजन है या तो ये माइंड जो चला है इसको सबसे पहले रिमूव करना होगा और इसके लिए हम टीचरों ने काम करना शुरू कर दिया है देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे वो चाहते हैं कि हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा हम नीट क्वालिफ़ाई कर जाएँगे जेई क्लियर हो जाएगा जानकारी के लिए बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है अगर आप कोटा में भी है और पटना में भी हैं आपकी सेल्फ स्टडी ठीक नहीं है आप डेडिकेटेड नहीं हैं आप फोकस्ड नहीं हैं तो रिजल्ट नहीं हो सकता तो आप जहाँ भी हैं कोई भी शहर हो इवन आप घर में भी हो अगर आप बहुत अच्छे फोकस्ड हैं आप गोल ओरिएंटेड हैं तो आपका रिज़ल्ट होगा और हज़ारीबाग कई मायने में ये सही है कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है जेई और नीट में ना केवल जई और नीट की बात करें यहाँ पे मैं थोड़ा सा आ, बताना चाहूँगा कि एसएससी बैंकिंग एयरफोर्स नेवी हमारी खुद के स्टूडेंट्स कई ऐसे स्टूडेंट्स जो नेवी और एयरफोर्स में हैं कई बच्चे सी एच एस एल में हैं मुझे काफ़ी खुशी भी होती है कि इतने कम उम्र में मैं, मैं बच्चों को पढ़ा करके वहाँ तक भेज पाया और मैं इस काम से काफ़ी खुश हूँ सर आपने बोला कम उम्र में या एक चीज़ हम जानना चाहेंगे या तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं थोड़ा जी ज़िक्र किया है हाँ जी और मैं बताना चाहूँगा दिस इज़ आलोक कुमार एंड आई एम फो, ट्वेंटी फोर ईयर्स ओल्ड सो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आ, हमने शुरुआत से ही हमारा स्कूलिंग जो हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है और गवर्नमेंट स्कूल की हालत किसी से छुपा नहीं है वाकिफ़ है और मैं तो यही चाहता हूँ कि बहुत जल्द हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति है वो सुधरे ताकि जो लोग परेशानियाँ हमने फ़ेस करा वो आने वाले फ्यूचर के बच्चे फेस ना करें तो मैंने टेंथ तक जो है सो गवर्नमेंट स्कूल से करा ट्यूशन में लेता था उसके बाद मैं भी हज़ारीबाग आया जहाँ पे मैं इंटरमीडिएट करा उसके बाद हमने 2016 में हमारी ट्वेल्थ क्लियर हुआ और फर्स्ट डिवीज़न से हुआ उस वक्त मैं अच्छे मार्क्स से चूँकि पास हुआ था तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिला था कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ फिर मुझे पटना जाने का मौका मिला मेरे पेरेंट्स ये मुझे सपोर्ट किए बेसिकली मैं उस तरह की फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सीमित रिसोर्स में मैंने पटना जाने तक का सपना देखा और सफ़र भी किया जहाँ मैं कॉम्पटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी भी किया और फिर वहाँ से मुझे बहुत सारे नॉलेज हमारे मिनटर में ऐड करना चाहता हूँ आज वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं प्रभात कुमार जिनके मार्गदर्शन से मैं ये चीज़ अपने आप को आया हूँ और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया चाहे कोई भी चीज़ को लेकर के हमारी जी के चाहे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफ़ी या फिर साइंस के चीज़ें हैं मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो मैं मिश्रा सर के पास पढ़ा था पटना में एम के मिश्रा फिर जमाल और रत्नेश शुक्ला से हमने कोर्स खरीद के पढ़ाया और मैं थोड़ा सा और मैं लेना चाहता हूँ तो उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे तो शुरुआत से मेरा एक बहुत बड़ा पैसन था कि मैं टीचिंग में आऊँ क्योंकि मुझे ये प्रोफेशनल बहुत अच्छा लगता है और नो डाउट टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन और मैं तो समझता हूँ कि ये आर्ट भी एक कला है और मेरे को ये ब्लेस हुआ है सो uh, so, मैं बहुत लकी मानता हूँ